जी सलामुलैकुम। ये हमारे मैनेजर हैं अरशद साहब, ये आज सुबह से थोड़े उदास से हैं, तो आज इनसे पूछते हैं कि इनकी आप बीती आज क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, हालांकि बड़े हंसमुख हैं। आज पूछते हैं कि ये क्यों थोड़ा उदास हैं। जी अरशद साहब बताएं। वालेकुम। हुआ ये कि कल रात में मैंने, अमूमन हम लोग रात में वीडियो देखते हैं टिकटॉक वगैरह पे, मैं देख रहा था तो एक बंदे ने जो है वो कुछ बोला कि आप मुनाफिक हैं अगर आप फजर की नमाज नहीं पढ़ते। तो ऐसी वीडियो जब आती है ना तो आदमी भगा देते हैं, मैंने भी भगा दिया। लेकिन उसने बोला था कि ये हदीस है, तो वो दिमाग में मेरे टक कर गया कि मैं फजर की नमाज नहीं पढ़ता तो मैं मुनाफिक हूं। वो उतनी सी बात मेरे को टक कर दी, फिर मैंने वीडियो तो भगा दी। अब मुझे वो वीडियो नहीं मिली, कहाँ है किधर है मुझे नहीं पता, मैंने लाइक भी नहीं किया उस वीडियो को। शैतान ऐसा करने को आपको बोलता है, हटाओ ये सब चीज को, गाना वाना देखो। लेकिन वो बात मुझे टक्कर गई। फिर मैंने सर्च किया कहां हदीस है, तो मैं जब सर्च किया तो मुझे सही बुखारी में मिला, सही हदीस मुस्लिम में मिला। मेरे को उसमें पता चला, उसमें मैं जो है याद करूं तो शायद 1382 नंबर की हदीस है सही मुस्लिम की, और कोई 7439 है बुखारी शरीफ की। बुखारी शरीफ में भी है और उसमें सही मुस्लिम में भी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग मुनाफिक हैं उन पर फजर की नमाज और ऐशा की नमाज भारी होती है। तो मेरी ये सुबह से, ये आज नहीं 15 साल से मेरी ये रूटीन थी कि हम ड्यूटी पे 8 बजे 7 बजे आते हैं तो 1 घंटा पहले अलार्म लगा के उठते हैं, नमाज पढ़ते आते हैं। 15 साल से मैंने कभी फजर की नमाज नहीं पढ़ी। मैं मुनाफिक, फिर मैंने रात में जो है रात में अल्लाह से बात की कि अल्लाह मुझे कल सुबह फजर की नमाज में उठा लेना, मैं अलार्म नहीं लगाऊंगा, मेरा वही अलार्म रहेगा 7 बजे का। अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुनी, फजर में नहीं तहज्जुद में उठा दिया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ी। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब मैं मस्जिद में गया, मैं देखा 2 सफ लोग खड़े हुए हैं नमाज पढ़ रहे हैं, मैं अकेला था। क्या मैं अकेला था जो सोता था? और 15 साल से पढ़ता हूं नमाज, 5 वक्त की पढ़ता हूं, लेकिन जमात के साथ नहीं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? पंद्रह साल एक दिन भी फजर की नमाज ना पढ़ी, बस यही बात है यार। जिसने हमें बनाया, खाना खिलाता है, उसके ऑर्डर को हम नहीं सुनते, वो जब बुलाता है हम नहीं सुनते, ये कंपनियां जिसमें हम काम करते हैं ये टाइम पे बुलाती हैं, हम टाइम पे आते हैं, इनकी सुनते हैं, जो
जिनको हमने 2-3 साल काम करके छोड़ देना है, दूसरे के पास जाना है, उनसे डर के उनके टाइम पे हम आते हैं, अल्लाह के टाइम पे नहीं आते। तो हम मुनाफिक ही हुए ना। तो बस मुझे अल्लाह माफ कर दे इंशाल्लाह। और क्या बोलूं, नहीं बोला जा रहा कुछ भी, बस यही बात है। चलें, ये आपने अरशद साहब का सुना है, इनको हर अल्लाह ताला जब भी किसी को हदायत देता है तो वो एक क्लिक होता है जिसमें उसकी वो पूरी ज़िंदगी जो है ना बदल जाती है। तो आज ये सुबह से बड़े उदास थे, तो मैंने पूछा आज ये क्यों ऐसे हैं, तो फिर उन्होंने आज अपनी ये आप बीती बताई है। तो अल्लाह ताला इनको भी जो इन्होंने सोचा है, जो इन्होंने आज किया है, इस पर इनको गामजन रखे और हम सबको 5 वक्त का नमाजी बनाए और सब पे अपना रहम करें और सबको अपने हिफाज़त ईमान में रखे। जी आमीन।